नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। साल 2009 में लाहौर में श्रीलंका टीम पर हुए हमले को क्रिकेट जगत कभी नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तानी आतंकियों ने श्रीलंकाई टीम पर ऐसा हमला किया कि दुनिया की कोई टीम उसके बाद इस आतंकी देश में जाने से डरने लगी। कुछ सालों बाद जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज की टीम डरी सहमी पाकिस्तान पहुंची तो थोड़ा सा क्रिकेट बहाल हुआ, लेकिन डर का साया हमेशा बना रहा। वहीं पिछले साल बड़ी टीम के तौर पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन सुरक्षा कारणों से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने मैच से ठीक पहले अचानक अपना दौरा रद्द कर घर वापसी की फ्लाइट पकड़ ली थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया तो 2009 से कई साल पहले से ही पाकिस्तान नहीं जा रहा था, लेकिन अब 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है। आखिरकार 24 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे कंगारू टीम की फ्लाइट ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ समेत कुल 35 सदस्यों की टीम यहां भेजी है। यहां पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्टि जाहिर की। बता दें, पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है। यहां उतरते ही हमें बहुत सारे सुरक्षाकर्मी तैनात दिखाई दिए। हम प्लेन से उतरकर सीधे अपने होटल पहुंच गए हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान में डर के साए में क्रिकेट खेलने पहुंच गई है। हालांकि कप्तान कमिंस का कहना है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में कब आतंक का साया मंडराने लगे कुछ पता नहीं होता। खैर, हम उम्मीद करेंगे कि ये दौरा अच्छे से और सुरक्षित तरीके से हो। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में 3 टेस्ट 3 वनडे और 1 T20 मुकाबला खेलेगी। पहला टेस्ट रावलपिंडी में 4 मार्च से शुरू होगा। वहीं दौरे का आखिरी मैच T20 के रूप में रावलपिंडी में 5 अप्रैल को खेला जाएगा। यार, वो कप्तान था पैट कमिंस, बतौर कप्तान पहली बार जा रहा।